जैसा जानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत हार्ड ड्यूटी रहती है और ड्यूटी टाइमिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ऐसी स्थिति में उसका मेंटल और फिजिकली फिट रहने के लिए योगासन और योगा बहुत ज़रूरी है। तो आज जो मनोज जी हैं चूरू से योगाचार्य जी, उनके सानिध्य में एक सेशन आयोजित किया गया और हमारे जवानों ने इसमें भाग लिया। ऐसा हमारे सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो अनुभव हुआ है उससे हमारे कुछ कॉन्स्टेबल्स ट्रेनिंग लेके लगातार योगासन के बारे में लोगों को ट्रेन करेंगे और निश्चित तौर पे इसका एक फायदा मिलता है, उसका अनुभव का फायदा। थैंक यू। जैसी क्यों हो रही है? क्योंकि वायुकारक चीजें खा रहा है, पैकेट जंक फूड्स खा रहा है, चिप्स खा रहा है, उसको दही रोटी नहीं खिला रहे हम, उसको हम दूध नहीं दे रहे, इसलिए ये हालत खराब है। तो ये पहले तो ये पैर पे बैठ के देख लिए, अब पैर और अंगूठे ना, ये भी वैसे ही है जैसे हाथ की अंगुली और अंगूठे, ये तो सबसे ज्यादा दूर है। तो जिसके पैर, हाँ, जो जैसे बैठ में कहते हैं, मैं जब एनसीसी में था, हम लोग 99 में अटल जी के साथ मैंने गार्ड ऑफ ऑनर किया, तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए जब आप खड़े रहते हैं तो पैर की अंगुलियां और अंगूठे हिलाते रहा करो। इससे क्या होगा, हार्ट को रहेगा, दिमाग को ये ध्यान रहेगा, जीव तो है आदमी पग हला रहे, तो ये अंगुलियों को ऐसे ऐसे मूवमेंट करना जरूरी है। ये मूवमेंट होती रहेगी तो ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ तक जाता रहे, अंगुलियों को अंगूठों को ऐसे ऐसे हिलाना, तो ये कम से कम 2-3 मिनट करना। ये देखने में तो ऐसे यही है कि पगलियों पर करोगा तो फिर फर्क, इनमें भी जोर आवे, अपन जोर बहुत आवे, काम करना शरीर के लिए कुछ थोड़ा बहुत करना चाहिए। देखो 23 घंटे हमें देना चाहिए समाज को, लेकिन 1 घंटे स्वयं को देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दोनों पैरों को दोनों तरफ खोल दीजिए, अंदर और बाहर दोनों तरफ, ये कूदने के लिए, ये पूरे ना यहाँ उनके लिए बहुत जरूरी है। हमारा ब्लड का सर्कुलेशन दोनों तरफ टच हो रहा है क्या? दोनों तरफ लगाने की कोशिश करो, हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों का हमें पता ही नहीं, मांगो बिगड़ गयो क्यों, जब उन अंगों को काम में लेते तब पता चलता है। अब दुख दुख हो रही है अटक हुई, जिस समय उसको काम में लिया जाए तब तकलीफ पैदा होती है। तो दोनों पैरों को अंदर बाहर ऐसे हिलाइए। अब ये देखिए ये पिंडलियां किस किस की टाइट है, ये जिसकी पिंडलियां टाइट है ना उसके शरीर में वायु है ही है, वो चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, ये होगा, ये गड़बड़ी है। अब वो कहते मैं तो मार तो सो भी का खेत है मारे क्या जी, वायु खेत वायु से के मतलब रिक्तियों वायु से के मतलब गाटा से तो वैसे सांस तो नहीं है, कैसे जाप होगी, सांस भरो हाथ ऊपर और अब अंगूठा पकड़ लो, कभी हाँ जो अंगूठे तक पहुंच गए उनको 50% अंक मिल गए, चेक कर रहे हैं देखो 100% कौन कौन ले रहे, ये अंगूठे तक पहुंच गए उनको 50%, अभी हर डिविजन में 10% और है। चलिए खींचिए इसको, पंजे को खींचिए अपनी ओर, बहुत जान निकलेगी नीचे नफा दुखी है, खींचिए पूरा खींच रहा है, सांस भरते हुए अब पैर के आगे से हाथों को ग्रिप करना, अब 70% रखा को नहीं हो किलो नहीं, एसपी साहब है जिसमें साहब देख रहे शिकुरा है वो सब नजर में नजर में आ रहे, वाटर गार्ड छाड़ ली मैंने आज। अब श्वास भरते हुए आप अब की बार 100% पड़ने वाला है, नाक को घुटने पे लगाना, हाँ लगा दो। अब देखे 100% वाले कितने जिन्होंने 100% अंक प्राप्त किए हैं, घुटना वही रहना, नाक ने गोड़े पे लगाना, गोड़े ने नाक पे नहीं। बहुत बढ़िया, कई बहुत अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा, वो ही है
जो एक्टिव है, जो अपने शरीर पर ध्यान दे रहे हैं, जो खान पान पर कंट्रोल कर रहे हैं, वही है वो। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस भरते हुए हाँ, पसीना आगे हो गए। ये पिंडलियां जब खींचेगी ना, तो यहां से लेकर और चोटी तक पूरा पीछे का नसें जो है ना, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ेगा। ये हमारा होता है पश्चिमोत्तान नसें, इससे शरीर की जांच हो जाती है। अब चलो, अब दोनों पैरों को इकट्ठा कर लो। एक ये आसन है बहुत शानदार, भद्रासन, इसका नाम है भद्रासन। इस आसन में जो व्यक्ति बैठे उसमें भद्र पुरुषों के आचरण आ जाए। मैं कहता हूँ आज के लिए जो दुर्दांत घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे अखबारों में आती है रोज, अलवर वाली घटना हो चाहे, ये सब क्यों है? क्योंकि भद्र पुरुषों के आचरण नहीं है उनमें। उनके जो मन में है वो सही विचार नहीं आते, और सही विचार एक तो अच्छे खान पान नहीं होने की वजह से नहीं आते, और एक हमारा शरीर को हम लोग छेड़ते नहीं। जैसे अब इसमें सिवनी नाड़ी खींचती, ये हमारी ये नसें हैं ना, ये नसें, इनमें ब्लड का सर्कुलेशन चल जाए, व्यक्ति के विचार ही चेंज हो जाते हैं। तो पूरे विश्व को भद्रासन करना सिखाना है, वो अगर कर ले तो मन के विचार चेंज हो, व्यक्ति भद्र पुरुषों का आचरण करने लग जाए। एक देखिए, खान पान का बहुत फर्क पड़ता है। हमारे देश में देसी गाय का दूध उपयोग होता था, उसके बाद में दूध की क्रांति आई, बाहर से दूध आना शुरू हुआ, फिर बाहर की गायें जर्सी और ये डेनमार्क की जो गायें हैं, ये लंबी लंबी ट्रेन वाली, ये आनी शुरू हुई। आप देखो, अपनी जो गाय देसी गाय रभाती है, माँ का सा एहसास होता है, और ए गाया जो रेम भाव है, नहीं लागे जन ट्रेन की सिटी बाज रही है, तेरा बंद करो रे, गुड़ो फाड़ दे एकदम, एक ही बार में यह कान सुनना हो। एक्चुअल में जो सूर्य नाड़ी होती है ना उनके थुई में, वो उनके थुई नहीं होती, जो थुई वाली गाय है दूध उसी का पीना, बच्चों को भी उसी का पिलाना, भले ही 2 रुपया महंगा मिल जाए, चाहे घर गाह बाढ़नी पड़ जाए, अगर आपको अगली संतान सुधारनी है तब की बात है, बाकी तो चालिए पूर्ण रूप है। लेकिन अगर आपको वाकई में चाहिए कि मेरे भारत देश में भारत जैसी संतान हो, तो उस संतान को देसी गाय का दूध पिलाना ही पड़ेगा। गाय के दूध में बहुत सारी बातें आपको सबको पता है, सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन उसको जीवन में उतारना जरूरी है। तो देसी गाय जितना, तो वो जो गायें हैं, इन गायों का जो दूध है वो व्यक्ति में हार्मोनल चेंजेस करता है, इसीलिए आजकल के जो बच्चे हैं उनके विचार बहुत ही आक्रामक हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारी संस्कृति के विपरीत है। तो इसका थोड़ा सा हमें खान पान पर ध्यान देना कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी कौन कौन, सुख की बात को नहीं, आप तो खास कोई गरीब उनकर पूछे नहीं, मतलब कोई गड़बड़ है। एक्चुअल में खाना खाने के तुरंत बाद वाघ भट जी ने 3500 साल पहले एक बात कही थी, भोजनांते विषम वारी, भोजन के तुरंत बाद पीना पानी विष के समान है, जहर। अब आप देखो शरीर में जहर बनता है, क्या जहर हो या तो मर जाए तो आग लेगी। एक्चुअल में जहर बहुत तरीके के होते हैं। एक जहर होता है पसीना नहीं निकालता, उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, वो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, उसका फिर ट्रीटमेंट पसीना निकालना ही है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास कोलेस्ट्रॉल वाले, दवाइयों से कोलेस्ट्रॉल नहीं निकल सकता, पतला हो सकता है, एक बार दवाई दे देंगे पतला हो जाएगा, ब्लड चल पड़ेगा, लेकिन वो परमानेंट कोलेस्ट्रॉल को अगर साफ कर, कीचड़ नाली में कादो मैंने बिना साफ करने खातर, साफ पानी को फटकारो और बारीकी मार ही करनी पड़ेगी, बिना कितो ही बढ़िया केमिकल गिर दो वो कादो साफ को नहीं हो सके, कादो साफ करने तो बिना साफ करना ही पड़ेगा। तो आपको अगर शरीर का कीचड़ साफ करना है ना, तो पसीना निकालना पड़ेगा, सबसे बढ़िया बात है। चलिए भस्त्री का प्राणायाम अब करेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे, आंखें बंद रहेंगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हमारा कमर जो है वो सीधा रहना चाहिए, चिन अप रहना चाहिए, कंधा जो है वो खींचा हुआ रहना चाहिए, शरीर को नॉर्मल, कोई तनाव नहीं आना, ना चेहरे पर, ना कंधे पर, ना कमर पे, ना शरीर में किसी प्रकार का तनाव नहीं, अंदर मन में भी तनाव नहीं, अपने को कुछ अच्छा मिलेगा, मैं भी आपसे सीखूंगा, आप भी कुछ सीखेंगे, तो जीवन में कुछ परिवर्तन आपको महसूस होंगे। लंबा श्वास भरना है, लंबा श्वास छोड़ना। अब लंबा किसको कहते हैं? आप ही जब बोले वो सांस को नहीं है, बात तो दिगाड़ियों है, उसकी शरीर को आवश्यकता है तो भी आधा दे रहे हो,
अभी हमें आवश्यकता से अधिक देना है। कैसे? लंबा श्वास भरना, पूरा जितना लेते हैं उससे ज्यादा लेना, जितना छोड़ते हैं उससे ज्यादा छोड़ना। नाभि को अंदर तक खींच लो, अंदर तक ले जाओ, शाबाश, पूरा खींचो, श्वास छोड़ना। अब मैं एक दो एक की गिनती करूंगा, उसी के साथ लेना है, उसी के साथ छोड़ना है, उसी गति से। एक में श्वास भरना है, दो में छोड़ना है। एक, दो, 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 हाथों को आपस में रब करेंगे, घर्षण करेंगे। सीधा आंखों को कभी नहीं खोलना। अब क्यों नहीं खोलना, हर चीज के पीछे क्यों होता है, देखिए उसको पूछना भी चाहिए। हमारी आंखों की पुतलियां शरीर के रक्त वाहिकाओं के सबसे नजदीक होती हैं, सबसे पतली होती हैं। जब भी हम प्राणायाम करते हैं, रक्त वाहिकाएं अपनी पूर्ण गति पे, पूर्ण ताकत पे होती है। वो रक्त वाहिकाएं गर्म होती हैं, हमारी पुतली हवा के संपर्क में सबसे पहले आती है, सबसे पतली परत होती है। तो अंदर गर्म है, बाहर ठंडा है। जब ये मेल मिलता है तो सिकुड़न आती है। लंबे समय तक अगर आंखों को हमने प्राणायाम करके सीधा खोलना शुरू कर दिया, टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया, तो आंखों से संबंधित समस्याएं लोगों को पैदा होती है। तो ध्यान रखना, किसी भी प्राणायाम को करने के बाद हाथों को आपस में रब करके एक मिनट तक हाथों को गर्म करके फिर आंखों पर जरूर लगाना है, फिर आंखों को खोलना। कुछ चीजों का पता होना चाहिए हमें। यह हमारा भस्त्री का प्राणायाम, दो मिनट किया। अच्छा, किने किने तो खोला गयो, वो करके हाथ खड़े करो, देखो तो खोला गयो के, और किने किने खराब लागे, वो करके खराब भी लागे कोई नहीं। अब क्यों नहीं खराब लगा? क्योंकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिला। जो शरीर को पहली चीज की आवश्यकता है वो है ऑक्सीजन, और वो मिला तो पूरा शरीर ऐसे खुल सा जाता है, एकदम शानदार मजा आता है। यह हमारा भस्त्री का प्राणायाम। कपाल भाती, हालांकि एक दिन में कर क्यों दिया, देखो ये नाक आगे है ना, वो मुंडो भी तो ये आपके देश को ही मुंडो आगे जो नाक गैल हो जाए तो क्यों भी? इसलिए क्यों? क्योंकि प्रकृति को पता है कि इसको पहले जरूरत है, ये पहली आवश्यकता। तो शरीर में पहली आवश्यकता क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे लोगे? नाक से। तो प्रकृति ने कह दिया नाक ले लो, नाक में काम में लो। अब जिसने इससे दो इंच नीचे वाली चीज को ज्यादा काम में लिया, तो उसके यहां से दो इंच नीचे वाली चीज ज्यादा बढ़ जाएगी। और जिसने इसको काम में ज्यादा लिया, उसका फेफड़ा ज्यादा बढ़ेगा, यानी उसका सीना, चेस्ट मजबूत होगा। तो ये जो काम में लेता है वो शरीर को स्वस्थ बनाता है। कम से कम 30-40 साल तक तो शरीर मेंटेन रहे, उसके बाद तो चलो शरीर हाथों से बाहर चला जाता है, लेकिन 40 साल तक तो हम अपना शरीर को स्ट्रोंग कर सकते हैं, फेफड़े को मजबूत कर सकते हैं। तो यहां तक मजबूत करने के लिए इसको काम में लेना बहुत जरूरी है। तो
अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है? ये है हमारा ठंडा स्वर। आपको पता है नाक में गर्म ठंडा होता है, पता है? ये ईड़ा नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी है, ये चंद्र स्वर है, ये सूर्य स्वर है। आपका इधर वाला ये चंद्र स्वर है, ये ठंडा स्वर है, इधर वाला गर्म स्वर है। जब आपके शरीर में गर्मी की आवश्यकता होती है यानी ठंडक ज्यादा बढ़ जाती है तो आपका सूर्य स्वर चलता है ऑटोमेटिक। शरीर अपने आप मेंटेन करता है, आपको पता ही नहीं चलता। लेबर बहुत काम कर दिए माइंड में, अपन तो बेरो ही गोनी बाप लोग किया शरीर माथा पोड़ी कर दिए। जब आपके शरीर को ठंडक की आवश्यकता होती है तो आपका चंद्र स्वर चलता है, और ज्यादातर शरीर को ठंडक की आवश्यकता होती है इसलिए शरीर में ज्यादातर चंद्र स्वर ही चलता है। एक हाथ घर का के कहता पहली बुढ़िया कहता ना गर्म बारे जा वाया सुर देख ली बाओ के बायो तालो थी ये पैर ये स्वर चलना चाहिए। तो कैसे देखो, चेक करो आपका अभी कौन कौन सा चल रहा है, अभी पता करते हैं। दोनों नाक पे अंगूठा रख के अंगुली रख के और महसूस करो सांस लेते रहो। अब महसूस करो कौन से में आसानी से सांस आ रहा, जिसमें आसानी से सांस आ रहा है वो स्वर आपका अभी चल रहा है। अब इसके विज्ञान की छोटी सी आपको बात बताऊं, जे ना कब्जी रहे सुबह सुबह कब्जी यार काम बहुत वो खेलो ही खराब है वो वायरस है क्या फैल डो। सुबह सुबह जिसके कॉन्स्टिपेशन रहता है उस किसके रहता है, जो सूर्योदय के बाद में फ्रेश होने जाता है उसकी कॉन्स्टिपेशन रहेगा ही रहेगा। सूर्योदय से पहले बुढ़िया कहता है एक हवा चल रहा है वायु, एक बाबा है बा बहुत पवित्र हो रहा है शरीर ने स्वस्थ कर दे बा वायु माइंडी सी आइडियल आइडिया को कह कि गड़बड़ है। तो सुबह सुबह फ्रेश होके जो निकलता है ना कहते हैं कि राम धावक की तरह जाए बाजगत हो जा और योगी की तरह बैठे और राजा की तरह निकले, क्या बात। दाएं से भरिए बाएं से छोड़ दीजिए, बाएं से भरिए दाएं से छोड़ दीजिए। दाएं से भरिए बाएं से छोड़ दीजिए, बाएं से भरना दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना बाएं से छोड़ना। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि छोड़ने की जो टाइमिंग है वो ज्यादा होनी चाहिए। जो व्यक्ति श्वास लेने से ज्यादा श्वास छोड़े वो हमेशा स्वस्थ। आज तो बहुत ज्यादा हार्ड चीजें नहीं करवाई आपको, वही चीजें जो आपको जानना चाहिए और आज करके कल तकलीफ ना हो ऐसी कुछ चीजें मैं आज आपको करवा रहा हूं। ये अनुलोम विलोम हो गया, अब अगर 10 मिनट अपने पास है तो शवासन करवा दो, 5 मिनट ढीला कर दीजिए, हथेलियों को ढीला कर दीजिए, कोहनी ढीली कंधे ढीले, गर्दन को ढीला कर दीजिए, फ्री करिए, आंखें बंद, श्वासों पर ध्यान, श्वास का एक एक भाग जो ले रहे हैं छोड़ रहे हैं पूरा उस पर ध्यान करना है आपको। ये श्वास जो आप ले रहे हैं ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, ये महसूस करना। ये श्वास मेरे शरीर में जा रहा है, मैंने आज तक महसूस नहीं किया ये श्वास कहाँ गया, लेकिन आज मुझे महसूस करना है ये शरीर में कैसे विचरण करता है। नाक से श्वास भरते हुए जैसे लग रहा है कि मेरे फेफड़े से होते हुए हार्ट से होते हुए मेरे शरीर के हर अंग तक ये श्वास पहुंच रहा है, ये ऑक्सीजन पहुंच रहा है, और मेरे पैर के अंगूठे में मुझे उस ऑक्सीजन का स्पंदन महसूस हो रहा है। ये ऑक्सीजन मेरे शरीर के अंदर एक ज्योति एक दीप्ति प्रदीप्त कर रहा है, ये महसूस करना। ये ज्योति ये दीप्ति इस श्वास के स्पंदन के साथ मेरे पैर के दोनों अंगूठों तक पहुंच चुकी है, मेरे पैर के अंगूठे में मुझे सरसराहट महसूस हो रही है, मेरे पैर के अंगूठे में मुझे ज्योति दीप्ति जलती हुई महसूस हो रही है। ये श्वास मेरे शरीर के उस हिस्से में पैर के अंगूठे में जाकर मुझे स्वास्थ्य दे रहा है, धीरे धीरे ये ज्योति महसूस हो रही है। मुझे महसूस हो रहा है जैसे जैसे ये प्रकाश ऊपर आ रहा है मेरे पीछे वाले अंग को निष्प्राण कर रहा है, मेरे अंग में जो व्याधियां थी उन सबको मिटाते हुए अंधकार पैदा कर रहा है, निस्तेज हो रहा है मेरा शरीर। ये ज्योति ये दीप्ति एड़ी से होते हुए मेरी पिंडलियों तक आ गई,
मेरे घुटने तक आ गई। मुझे महसूस हो रहा है घुटने से नीचे का पूरा हिस्सा निस्तेज निष्प्राण हो गया, वजनदार हो गया, जमीन पर जैसे पड़ा हुआ है इस प्रकार हो गया। मुझे महसूस हो रहा है मेरी एड़ी, मेरा पिंडलियां, मेरे पैर जैसे शरीर से अलग है, मेरे शरीर से जुड़े हुए नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। ये ज्योति, ये दीप्ति मेरे पैर के घुटने से चढ़ते हुए मेरे थाई जंघा ऊपर आती आती मेरी नाभि तक आ गई। नाभि से नीचे का पूरा शरीर निस्तेज निष्प्राण हो गया। मेरी नाभि से ये ज्योति, ये दीप्ति, ये स्पंदन ऊपर जाता जा रहा है, मेरे हृदय स्थान तक आ गया। हृदय स्थान से नीचे का शरीर कालिमा युक्त हो गया, निष्प्राण हो गया। ये ज्योति, ये दीप्ति गर्दन तक आ गई, मेरे कंधे से होते हुए कोहनिया और हाथों की अंगुलियों तक आ गई, इसको निष्प्राण करते हुए गर्दन तक आ गई, मेरी ठुड्डी, मेरी नासिका, मेरी आंखों के मध्य भ्रूमध्य स्थान, मेरे मस्तक तक आ गई। महसूस हो रहा है मस्तक से नीचे का पूरा शरीर जैसे भारी हो गया, जमीन पर लेटा हुआ है बिना किसी प्राण के। महसूस हो रहा है इसमें अभी परमात्मा के आशीर्वाद की जरूरत है। ये ज्योति, ये दीप्ति एक आत्मा रूपी प्रकाश को परमात्मा से लेने के लिए जा रही है। ये ज्योति, ये दीप्ति मेरे मस्तक के अंदर सहस्त्रार चक्र जहां पर शिखा होती है वहां पर विचरण कर रही है, विस्फोट करते हुए बाहर निकल गई है और इस शरीर को देख रही है। मेरा ये शरीर निष्प्राण निस्तेज इस जमीन पर पड़ा है, इसमें बहुत सारी व्याधियां हैं, इसमें बहुत सारी नकारात्मक एनर्जी है, मुझे इस ऊर्जा को खत्म करना है, सकारात्मकता से भरना है और मुझे उस परमात्मा से मिलना है जो मुझे वो सकारात्मकता देगा। ये ज्योति, ये दीप्ति इस शरीर को छोड़ते हुए ऊपर जा रही है, ब्रह्मांड की ओर जा रही है, देख रही है कि मैंने इस नगर को छोड़ दिया, देख रही है मैंने इस राज्य को छोड़ दिया, देख रही है मैंने इस देश को छोड़ दिया, देख रही है मैंने इस पृथ्वी को छोड़ दिया और ब्रह्मांड की ओर जा रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे ये ज्योति, ये दीप्ति मेरी आत्मा रूपी प्राण इस ब्रह्मांड का विचरण कर रही है, ढूंढ रही है उस परमात्मा को जो मुझे आशीर्वाद देगा, जो मुझे एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। और दूर, बहुत दूर मुझे एक बड़ा प्रकाश पुंज नजर आ रहा है, वो परमात्मा मुझे अपनी ओर अब मुझे खींच रहा है। महसूस हो रहा है कि ये ज्योति, ये दीप्ति, ये आत्मा, ये लालायित है। धीरे धीरे उस परमात्मा की ओर बढ़ती हुई ये आत्मा जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी समस्त व्याधियां, समस्त तकलीफें वो परमात्मा अपनी ओर खींच रहा है, मेरे अंदर केवल सकारात्मकता छोड़ रहा है, नकारात्मकता सारी खत्म कर रहा है। ऐसा मुझे महसूस हुआ, उस परमात्मा रूपी प्रकाश पुंज में मैं पहुंच चुकी हूँ और मुझे उस परमात्मा का आशीर्वाद मिला है। और ये ज्योति, ये दीप्ति जो छोटे से रूप में गई थी, अब बड़े प्रकाश पुंज के रूप में परमात्मा का आशीर्वाद लेते हुए पुनः वहां से रवाना हो रही है। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है, जा तू स्वस्थ रहे, जा तेरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा, जा तू हमेशा स्वस्थ रहेगा। ऐसा आशीर्वाद कि मेरे शरीर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, मेरे शरीर में सकारात्मकता बढ़ गई है, मेरा शरीर प्राण युक्त हो गया है, ये मैं महसूस करूंगा। और ये ज्योति, ये दीप्ति जहां से निकली थी सहस्त्रार चक्र के बाहर आ गई और विस्फोट करते हुए अंदर प्रवेश कर चुकी है। मेरे मस्तक में ऐसे लगा जैसे ठंडे नदी का, गंगा मैया का प्रवाह जैसे शीतल होता है, वैसे शीतलता मेरे मस्तक में महसूस हुई, वैसी ही शीतलता मुझे नासिका तक महसूस हुई, वैसी ही शीतलता मुझे गर्दन तक महसूस हुई। वो शीतलता, वो नदी के हिलोरे, वो शीतल जल जा रहा है, एक नदी के प्रवाह के रूप में पीला प्रकाश पहुंच रहा है, मेरे जंघा तक आ गया, मेरे घुटने तक आ गया, मेरी पिंडलियों तक आ गया। पिंडलियों में मुझे सरसराहट महसूस हो रही है, मेरी एड़ी में अंगूठों को हिलाएं, हाथ की अंगुलियों को हिलाएं, हाथों को आपस में रब करें। बाई करवट लेते हुए
कर बैठना है, आंखों पर हाथों को लगाते हुए रिलैक्स करें और बाई करवट ले लीजिए, उठकर बैठ जाए। ब्रह्मांड में कौन कौन पूछा पहुंचा है, खेत तक पूछ के आग नींद आ गई बीच में, पूरे वहीं से जाके आ गए। कैसा लगा? अच्छा लगा है। पूरे दिन की थकान भी है ना, केवल पांच आपस में रब करेंगे। अब देखना, केवल तीन बार भ्रामरी करते ही आपकी हथेलियां जल्दी गर्म हो जाएंगी। केवल तीन बार में 21 बार कर लो तो हाथ ही अचत करता ही ताता हो जाए। इसका कारण क्यों तो हर जगह लागू है ना, क्यों? क्योंकि हमने भ्रामरी किया तो हमारे दिमाग की नसें जो है ना, ये खुली तो इसमें आधे तनाव से दूर रहेंगे, जिनको एनिद्रा और हार्ट हाई बीपी बीपी हाई रहने की समस्या ज्यादा रहती है। बीपी हाई में भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभकारी है, लेकिन लो बीपी वालों को कभी नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना। बीपी लो वाले अगर कर लेंगे तो बीपी और लो हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। बीपी लो वालों को नमक और इसकी मात्रा रखनी चाहिए अपने पास, सैंधे नमक। कार्यक्रम के लिए नहीं है, पूरी तेजी से बजाना है, पसीना आना है, इतनी देर पसीना सूख गया ना, ये जैसे मैंने आपको बताया ना, पूरे शरीर के अंगों का रिप्रेजेंटेशन हथेलियों में होता है। तो रोज सुबह 5 मिनट ताली बजा लीजिए और शरीर को स्वस्थ बना लीजिए। रोज सुबह ताली बजाना है 5 मिनट कम से कम, अभी तो 1 मिनट ही बजाएंगे। चलो गर्मी होगी, लासी पी ले। ए, ए, मिलाओ लासी पहली। ए, 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 ऊपर वाले को कंफ्यूज करना थोड़ा सा, ए हम सुखी है दुखी है, जिन बेरोनी पड़ोसी भी नहीं या लाल जी है, बड़ा राजी है, है? ऊपर देख लो। भारत माता की, जय भारत माता की, जय।
आज काफी समय आपको दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं और पूरे पुलिस परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे कि आज जो आपने सीखा है उनमें से कोई ट्रेन होके लगातार ये कोचिंग अपने यहाँ चलते रहे योगासन का। और इस सेशन के बाद में एक ये कोरियन मशीन है V3, जिनके बैकेक रहता है, पीठ में दर्द रहता है, उसके कुछ डिवाइसेस हैं और वो आपको डेमो देंगे। और हम आभारी हैं इनके भी कि सिरा जेम से इन्होंने दो मशीनें प्रोवाइड कराई हैं जो अपने मनोरंजन कक्ष में रहेगी। जिसको भी इस तरह की दिक्कत है, सुबह शाम तक आप आके, ये बिल्कुल निःशुल्क सुविधा है, इसको अभी आप एक डेमो देख लीजिए। और अमेरिका की पद्धति है ये, और वहाँ पे जो है सन 18 सितंबर 1895 को जो है डॉक्टर डेविड डेनियल पार्मर ने इसकी खोज की थी, और तब से लेकर के आज तक जो है ये विश्व भर में चल रहे हैं। अब हम लोगों को अगर कायरोप्रेटिक करवाना होगा, कायरोप्रेटिक अगर किस तरीके से किया जाए, हाँ जी पड़ी हुई है तो चनक किस प्रकार से दबाते हैं जी, हाँ उल्टा लेटा करके और एडी से, सही है या गलत है? अब अगर मेरे चनक पड़ जाए और यहाँ पे कोई वजनदार आदमी बैठे क्या ज्यादा, अगर उसको बोल दिया जाए कि मेरे चनक दबा दे, हाँ वो सर आप पर गले बोले मैं वजनदार हूँ, अगर उनको बोल दिया जाए कि मेरी चनक दबवा दे और अगर थोड़ा सा ज्यादा जोर लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हाँ जी परमानेंट इलाज हो जाएगा, सही है या गलत है? और अगर उन्होंने थोड़ा सा हल्के से दबाया तो इलाज जहां था वहीं का वहीं रह जाएगा, लेकिन जब आप इसके ऊपर लेटते हैं तो आपके शरीर के अनुकूल